गेटवे एक मीडियम है और एक वॉलेट एक इंस्ट्रूमेंट है, बट इन दोनों में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है, दैट इज फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट वॉलेट। और पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट वॉलेट के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। अब पहला हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर पेमेंट गेटवेज। बेसिकली पेमेंट गेटवे एक मीडियम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। इस मीडियम का यूज मोस्टली ई कॉमर्स सर्विसेज को प्रोवाइड करने में किया जाता है। इस गेटवे के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कस्टमर को अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई यूज करना है एंड पेमेंट विल बी डन। अगर आप डिजिटल मीडियम पे पेमेंट करते हैं तो इट्स नॉट सिमिलर टू डेटा ट्रांसफर, जो आपने मेल या मैसेज के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। इसके लिए एक सिक्योर चैनल की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप सिक्योर ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है ताकि आप फिशिंग और डेटा ब्रीच से बच सकें। अब पेमेंट गेटवे के दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है डायरेक्ट। एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे के अंदर पेरेंट वेबसाइट पर जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप रीडायरेक्ट करे जाएंगे पेमेंट गेटवे पर और वापस आपको छोड़ दिया जाएगा पेरेंट वेबसाइट के ऊपर। डायरेक्ट के अंदर आपकी पूरी ट्रांजेक्शन पेरेंट वेबसाइट पर ही कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट गेटवे के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पेपल, पेयू, रेजर पे, सिक्योर पे। व्हाट आर द पेमेंट वॉलेट्स। अब पेमेंट वॉलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें कस्टमर अपने फंड्स को क्रेडिट करता है, उस प्री एडेड फंड को वो बाद में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज कर सकता है। पेमेंट वॉलेट के अंदर जो पेमेंट है वही वॉलेट के थ्रू डायरेक्ट हो जाती है, उसमें किसी भी गेटवे के थ्रू रिडायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। पेमेंट वॉलेट के थ्रू कस्टमर अपनी सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है क्योंकि उसके लिए उसे बार बार अपने कार्ड डिटेल्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। पेमेंट वॉलेट एक बेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का। इसके थ्रू आप अपनी डेली लाइफ के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, यूटिलिटी बिल पे करना। डिफरेंसेस बिटवीन पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट वॉलेट। वैसे तो इन दोनों का यूज ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को कंडक्ट करने में किया जाता है, लेकिन ये डिफरेंट हैं क्योंकि इनके फीचर्स और इनकी यूजेस डिफरेंट हैं। आइए इनके कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला डिफरेंस है इनके सेटअप का। पेमेंट वॉलेट के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है और इसमें अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होता है फर्दर यूजेस के लिए। वहीं पेमेंट गेटवे के अंदर ना कोई रजिस्ट्रेशन ना कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत है और ये वेरियस पेमेंट मेथड्स को भी ऑफर करता है। अब दूसरा डिफरेंस है रजिस्ट्रेशन का। पेमेंट वॉलेट के अंदर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप उसमें अपने फंड्स ऐड करेंगे एंड यू कैन कंडक्ट दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। वहीं पे पेमेंट गेटवे के अंदर ऐसा नहीं है। पेमेंट गेटवे में आपको हर बार अपनी कार्ड डिटेल्स एंड क्रेडेंशियल्स डालने होंगे टू कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपको सेशन टाइम आउट का भी ध्यान रखना होगा। सेशन टाइम आउट इसलिए दिया गया है ताकि ट्रांजेक्शंस को सिक्योर रखा जा सके। अब तीसरा डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे फंड्स का। पेमेंट वॉलेट के अंदर आपको इस बात का फ्रीडम है कि आप उसमें फंड्स ऐड कर सकते हो ताकि बाद में यूज किया जा सके। वहीं पे पेमेंट गेटवे के अंदर फंड एडिशन जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको डायरेक्ट क्रेडेंशियल के थ्रू ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंडक्ट करनी होगी। फोर्थ डिफरेंस है रिप्लेसमेंट का। पेमेंट वॉलेट एक सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट है फिजिकल वॉलेट्स का। वहीं पे पेमेंट गेटवे एक सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट है पॉस मशीन का। जैसा कि आपने अभी तक समझा कि हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जरूरत होती है पेमेंट गेटवे की
और वही जरूरत है पेमेंट वॉलेट को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि पेमेंट गेटवे एक मीडियम है पेमेंट करने का, वही पेमेंट वॉलेट एक मोड या इंस्ट्रूमेंट है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कंडक्ट करने का। अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं दोनों में डिफरेंस जानने के लिए, हम आपको बेटर कंसल्ट करेंगे कि क्या काम है पेमेंट गेटवे का और क्या काम है पेमेंट वॉलेट का, और दोनों के लाइसेंस को आप RBI में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला को। थैंक यू।